मरीजों का आरोप, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेवा, बदहाली व भ्रष्टाचार का हुआ शिकार। सिद्धार्थनगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेवा बदहाली व भ्रष्टाचार का शिकार है। जबकि सरकार की मंशा है कि गरीबों का इलाज बेहतर तरीके से हो, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ हो, लेकिन यहां पर सरकार की मंशा पूरी तरीके से ध्वस्त दिखाई दे रही है। आपको बताते चले कि सीएचसी बेवा में मरीजों का कोई पुरसहाल नहीं है। कहने को तो वह सरकारी अस्पताल है, लेकिन टेस्ट से लेकर दवा तक की व्यवस्था मरीजों को अस्पताल के बाहर करना पड़ता है। अस्पताल परिसर में जब मरीज के परिजनों ने मीडिया के लोगों को देखा तो उन लोगों ने अस्पताल की बदहाली के बारे में जो बताया वह हैरान कर देने वाला है। लोगों ने बताया, अस्पताल में बिना पैसे लिए कोई बात नहीं सुनता है। एक्सरे, टेस्ट व दवाएं सभी उन्हें बाहर से खरीदना पड़ता है। अस्पताल में गंदगी का अंबार है। वहीं इस मामले में जब सीएचसी प्रभारी डॉक्टर श्रवण तिवारी से बात करना चाहा गया तो पता चला कि वह आज अस्पताल पर नहीं आए हैं। खबर जगत के लिए सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। तो क्या सुविधाएं मिली यहाँ पे? दवा नहीं पूरा मिल पाया सर। क्या कह रहे हैं? बोले दवा नहीं है, तो ये दवा हमको मिला। तो बाकी दवा क्या करेंगे आप? अब दवा इसको जाते हैं दूसरे जगह लेने के। दूसरे मतलब बाहर से खरीदना पड़ेगा? बाहर से लेना पड़ेगा। क्या क्या कहना चाह रहे हैं सर? जो है यहाँ जो है कर्मचारी से अधिकारी तक धन की उगाही कर रहे हैं, चाहे लैब हो चाहे जो भी विभाग हो, स्वीपर तक यहाँ धन की उगाही करते हैं। स्टाफ नर्स वो भी जो है बगैर धन की उगाही के कोई कार्य नहीं करते। इधर कोई सुविधाएं नहीं मिली, मशीनें सब बंद है बिजली के अभाव कारण। एक्सरे टेक्नीशियन का पता ही नहीं है, प्राइवेट जगह एक्सरे करा के आ रहे हैं। यहाँ के लोग क्या कहे, स्टाफ के लोग? यहाँ के लोग कह रहे हैं बिजली की आपूर्ति है, एक्सरे टेक्नीशियन भी नहीं है। कितना लगा एक्सरे का बाहर? 350 रुपये।